बहुत खुशी है। पहले तो हम लोग की जो अवकाश सूची थी, पहले जो दी गई थी सरकार के तरफ से, उसकी कटौती कर दी गई, तो हम लोग तो सन्न रह गए। हम लोग यह सोचने लगे कि हम लोग महिलाएं हैं और अधिकतर महिलाओं का जो फेस्टिवल है, तीज, जितिया, रक्षाबंधन, सभी पारिवारिक ही ये सब पर्व हैं, तो महिलाओं के बिना तो घर में ये पर्व मनाना मुश्किल है, और पर्व करके हम लोग विद्यालय में कैसे रहेंगे। तो हम लोग जोर शोर से इस जो अवकाश तालिका को रद्द करने की मांग कर रहे थे सरकार से, सभी राजकर्मी का दर्जा हमारी मांग है और दूसरा कोई मांग नहीं है। हाँ, बहुत खुश हैं। मेरा ही छुट्टी था, हमसे छीन लिए तो खुश कैसे रहते हैं, फिर वापस मिल गया तो खुश है। हो रही है, हम लोगों जिन मांगे मांगी थी वो पूरी हो गई है। बच्चों को भी ये थोड़ा सा अंदर से ये वो दुखी हो गए थे कि हम लोग अपने फेस्टिवल में स्कूल हम लोगों को आना पड़ेगा, तो वो दुखी थे। अब हम लोगों की मांगे फिर से वापस में पूरी हो गई है, तो हम लोग इस बात से बहुत खुश है कि अब तो आराम से घर पे पर्व त्यौहार मनाएंगे, खुश रहेंगे। और एक बार नीतीश सरकार जी को फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि जो फैसला लिया गया बिल्कुल सही लिया गया है। सब एक मांग है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, तो हम लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बच्चों के प्रति हम लोग बेईमानी का काम नहीं करते हैं, इसलिए एक राज्यकर्मी का सिर्फ दर्जा मांग हो जाए पूरी। उस समय तो काफ़ी दुखी हो गए थे, बच्चे भी खुश नहीं थे इस बात से, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे यहाँ हिंदू बच्चे ही पढ़ रहे हैं, सब फेस्टिवल वाले ही थे, सब मतलब अंदर से सबको नाराजगी थी, बच्चों को, टीचरों को भी नहीं, बच्चों को भी नाराजगी थी इस बात की, हम लोग अपने फेस्टिवल में स्कूल कैसे आएंगे, इस बात से काफ़ी दुखी थे। नमस्कार, मुजफ्फरपुर बुआ देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में जो है जो छुट्टियों को जो है कम किया गया था, उसको जो है बिहार सरकार ने निरस्त कर दिया है। जो शिक्षा, जो आज शिक्षक दिवस है, उससे पूर्व संध्या पर जो है शिक्षकों की खुशी जो है लौटा दी गई है। क्या कुछ कहिएगा आप लोग, का जो छुट्टी जो कम किया गया था उस आदेश को निरस्त कर दिया गया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। पहले तो हम लोग की जो अवकाश सूची थी, पहले जो दी गई थी सरकार के तरफ से, उसकी कटौती कर दी गई, तो हम लोग तो सन्न रह गए। हम लोग यह सोचने लगे कि हम लोग महिलाएं हैं और अधिकतर महिलाओं का जो फेस्टिवल है, तीज, जितिया, रक्षाबंधन, सभी पारिवारिक ही ये सब पर्व हैं, तो महिलाओं के बिना तो घर में ये पर्व मनाना मुश्किल है, और पर्व करके हम लोग विद्यालय में कैसे रहेंगे। तो हम लोग जोर शोर से इस जो अवकाश तालिका को रद्द करने की मांग कर रहे थे सरकार से, सभी शिक्षक संघ के तरफ से और सभी शिक्षक लोगों के तरफ से। तो यह जो सरकार है, हमारी मांगों को सुनी और उस पुरानी जो तालिका थी उसी को फिर लागू कर दी गई है। इससे, इस फैसले से हम लोग बहुत ही खुश हैं, और हम लोग इस फैसले का तहे मतलब अपने हृदय से शुक्रगुजार हैं सरकार के। अच्छा, अब क्या कुछ मांग रहेगा, जैसे आज शिक्षक दिवस है, क्या मांगिएगा सरकार से? बस राजकर्मी का दर्जा हमारी मांग है। और दूसरा कोई मांग नहीं है अभी। क्या कुछ कहिएगा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत, नीतीश जी को बहुत बहुत आभार, हम लोगों का जो छुट्टी था वापस दे देने के लिए उनको, और एक ही मांग है जो राजकर्मी का दर्जा हमको मिल जाए, बस बस संतुष्ट। हाँ, बहुत खुश हैं। मेरा ही छुट्टी था, हमसे छीन लिए तो खुश कैसे रहते हैं, फिर वापस मिल गया तो खुश। अब पर्व त्यौहार मनाने में दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब मनाएंगे आराम से, टाइम से स्कूल आएंगे, जाएंगे, अपना काम करेंगे। टाइम से तो पहले भी आते, पहले भी आते थे। हाँ। ऐसे भी हम लोग कभी भी टाइम का इधर उधर नहीं करते हैं, अपना टाइम से आते हैं, जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मतलब सरकार के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं? हाँ, खुश हैं। क्या कुछ कहिएगा, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है, हम लोगों जिन मांगे मांगी थी वो पूरी हो गई है। बच्चों को भी ये थोड़ा सा अंदर से ये वो दुखी हो गए थे कि हम लोग अपने फेस्टिवल में स्कूल हम लोगों को आना पड़ेगा, तो वो दुखी थे। अब हम लोगों की मांगे फिर से वापस में पूरी हो गई है, तो हम लोग इस बात से बहुत खुश है कि अब तो आराम से घर पे पर्व त्यौहार मनाएंगे, खुश रहेंगे। और एक बार नीतीश सरकार जी को फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि जो फैसला लिया गया बिल्कुल सही लिया गया है। आज शिक्षक दिवस है, क्या मांगिएगा, अगर कुछ मांगना होगा सरकार से? बस अब एक मांग है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, तो हम लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बच्चों के प्रति हम लोग बेईमानी का काम नहीं करते हैं, इसलिए एक राज्यकर्मी का सिर्फ दर्जा मांग हो जाए पूरी। तो सब राज्यकर्मी की मांग है? जी है, राज्यकर्मी की मांग है। अच्छा, जिस समय यह फैसला आया था कि छुट्टियों को घटाया गया था, अब वापस कर दिया गया है,
तो उस समय तो काफ़ी दुखी हो गए थे, बच्चे भी खुश नहीं थे इस बात से, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे यहाँ हिंदू बच्चे ही पढ़ रहे हैं, सब फेस्टिवल वाले ही थे सब, मतलब अंदर से सबको नाराज़गी थी, बच्चों को, टीचरों को भी नहीं, बच्चों को भी नाराज़गी थी इस बात की, हम लोग अपने फेस्टिवल में स्कूल कैसे आएंगे, इस बात से काफ़ी दुखी थे। लेकिन अब वो लोग भी खुश है काफ़ी, और अच्छे से शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हाँ, खुशी, बच्चे भी अब खुशी से शिक्षक दिवस मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और हम लोग भी खुशी से अपना त्यौहार मना रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, तो हमारे साथ कुछ शिक्षक थे, इन्होंने बताया है कि यह जो फैसला सरकार की तरफ से जो आया है, जो छुट्टियों को जो कमी की गई थी छुट्टियों में, उसको उस फैसले को जो है निरस्त कर दिया गया, और शिक्षकों में जो है काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज। हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर।